व्हाट्सअप गाइस, फिर से बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टॉक मार्केट अड्डा में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं पंजाब नेशनल बैंक शेयर के बारे में। दोस्तों, ये एक गवर्नमेंट बैंक है और दोस्तों सेकेंड नंबर पर आता है पूरे इंडिया में। क्या इसका टारगेट रहेगा, फंडामेंटल कैसा है, चेक करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग चार्ट पैटर्न देखते हैं। दोस्तों, हमारा जो पहला टारगेट था वो था 50 रुपीज़ का, जो कि वो लेवल तक ये शेयर जाने के लिए कोशिश कर रहा है। आज की डेट में ये शेयर करीबन 42 तक गया था, हमारा टारगेट 50 है। अगर हम लोग वन मंथ के देखेंगे, गिरावट है 9% की। 6 महीने में देख सकते हो 11% की रिटर्न, 1 ईयर में 20% की रिटर्न। 5 ईयर चेक करेंगे, ये शेयर करीबन 200 रुपये तक गया था, लेकिन अभी 72% गिर चुका है। मैक्सिमम टाइम देखेंगे ए शेयर का हाई, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका हाई 254 है ऑल टाइम, और 458% की रिटर्न दिया है। 7 रुपया करके लिस्टिंग हुआ था 2002 में। अगर हम लोग इस बीच रिटर्न देखेंगे, करीबन 3,442% की रिटर्न दिया था। लेकिन अभी दोस्तों, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक दिखाऊंगा आपको, तो देख सकते हो 83% ए शेयर गिर चुका है। इधर प्रॉफिट था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों लॉस है। ठीक है, क्या इसका टारगेट रह गया, 50 रुपये का टारगेट हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट है। आज की डेट देखेंगे तो मिलियंस में वॉल्यूम में 48 हाई है, 29 लो है, और आज तो मार्केट भी बहुत ही करेक्शन हो रहा है, नीचे जा रहा है। 30% की माल डिलीवरी में उठाया गया था। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे 27 अक्टूबर को रिजल्ट आया था, रिजल्ट ठीक ठाक था, प्रमोटर होल्डिंग एक भी शेयर गिर भी नहीं है। अगर हम लोग PNB को पूरा डिटेल्स में देखेंगे, BSE NSE दोनों में लिस्टिंग है, 44,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और आप देखोगे तो स्टॉक भी 12 है, बुक वैल्यू 84 है, 84 से नीचे मिल रहा है, ROCE 5 है, ROE 3.28 है, फेस वैल्यू 2 का है। कर्जा देखेंगे कंपनी के ऊपर, देख सकते हो 11 लाख करोड़ का कर्जा है, रिजर्व 90,000 करोड़ का रिजर्व है, फ्री कैश 30,000 करोड़ का है, और एसेट भी कंपनी के पास 12,80,000 करोड़ का एसेट है। और कंपनी अभी प्रॉफिट में चल रहा है, 30% की जनरेट कर रहा है, डिविडेंड नहीं देता है, 92,000 करोड़ का नेटवर्थ है कंपनी का, और पर शेयर के पीछे 3.45 रुपया अर्न कर रहा है। दोस्तों, हालांकि बैंकिंग सेक्टर में कर्जा रहता है, यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा कर्जा है। उसके अलावा अगर हम लोग नीचे जाएंगे देखेंगे, ये जो कंपनी पब्लिक सेक्टर बैंक है और 3 नंबर पर आता है, मैं 2 नंबर बोल रहा था लेकिन 3 नंबर पर आता है। अगर हम लोग नेट प्रॉफिट देखेंगे क्वार्टर वाइज, तो दोस्तों नेट प्रॉफिट में गिरावट है। यहाँ पर आप देखोगे 1,168 करोड़ से गिरकर 1,104 करोड़, यानी क्वार्टर वाइज गिरावट है। ईयर वाइज देखेंगे तो 2500 से डायरेक्ट 3,700, यानी यहाँ पर दोस्तों पॉजिटिव हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी 3% है, 32 CAGR है, और दोस्तों आप देखोगे तो 4000% यहाँ पर कंपाउंडिंग ग्रोथ है। एसेट देखेंगे, एसेट में यहाँ पर आप देख सकते हो भयंकर तेजी है, नेट कैश फ्लो में भी भयंकर तेजी है, जो कि एक शानदार सिग्नल देता है। प्रमोटर यहाँ पर दोस्तों रखे हैं 73, FI वाले यहाँ पर दोस्तों 2. यहाँ पर आप देखोगे 2.21 रखे हैं, DI वाले यहाँ पर 11% रखे हैं, गवर्नमेंट के पास कुछ भी नहीं है, पब्लिक यहाँ पर 13% रखे हैं। तो दोस्तों सारा पैरामीटर देखने के बाद मैं आपको शॉर्ट टर्म टारगेट दे रहा हूँ 50 का और 100 लॉन्ग टर्म टारगेट। तो होप करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आएगी। पसंद आएगी दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कोई नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।